फाइनल दोस्तों आनंद विहार हमको अंदर लेके जाएगी। चलो आराध्यापाल, सीट नंबर अपना 8 साइड अपर। मेरे EMU लोकल ट्रेन है भाई साहब, ये अलीगढ़ से चलती है मेरे ख्याल से गाजियाबाद। दोस्तों पहुंच चुके हैं 126 की स्पीड भाई साहब, 130 हो जाएगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा। देखते कोई बात नहीं, मैंने बोला कि चाय पी क्या पूछ रहे, अच्छा बात बोला मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सेवर विद पॉल। आज है 28 अक्टूबर 2023 और हम खड़े स्टेप आनंद विहार टर्मिनल पे और हम जर्नी करने जा रहे हैं। पीछे ट्रेन लगी हुई है नंदन कानन एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12816। ये रूट तो काफ़ी कवर किया गया है लेकिन इस बार थोड़ा ये स्लीपर की जर्नी पहली बार कर रहे हैं इस ट्रेन से और उसको थोड़ा खाना का रिव्यू सुना है, खाना बढ़िया है तो खाना रिव्यू किया जाएगा। स्टेशन के एक ही रुकते अलीगढ़ वो रिव्यू किया जाएगा और बाकी मैं आपको दिखा दूँ। आराध्या पॉल ये कर रही है साथ में जर्नी और कोई नहीं है, इसकी मम्मी नहीं है, सिर्फ मैं और यही जर्नी कर रहा हूँ और कोई नहीं है। देखते कैसा रहता है एक्सपीरियंस, इसको हम 6 घंटे तक साथ में ले जा सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस किया जाए आपको बताया जाएगा। चलिए चलते अंदर, आपको S5 के इंटीरियर थोड़ा दिखाया जाता है। फाइनल दोस्तों अपना ट्रेन 12816 आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 में लगाई जा रही है, वेब 7 के साथ देख सकते हैं। ये रहे आनंद विहार पूरी नंदन कानन एक्सप्रेस, अपना कोच है S5 जो कि आगे चला जाएगा लग रहा है, तो आगे जाना पड़ेगा दौड़ते हुए भाई साहब। ये क्या जनरल, इसमें आगे की तरफ शायद 2 जनरल लगे हुए, उसके बाद बाकी स्लीपर है। ये S6 लेके चला गया, अपना है S5, ये S6 गया और अपना है S5, ये वाला कोच है गुड़िया अपना, ये देख लो ये कोच है अपना, S5 चला गया। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लगी भाई साहब अंदर जाने के लिए, इनको पता जबकि अभी आधा घंटा है ट्रेन चलने को, लेकिन देखिए लोग जो है घुसने में कितना मग्न है बिल्कुल एकदम। आराध्यापाल हमको अंदर लेके जाएगी। चलो आराध्यापाल, सीट नंबर अपना 8 साइड अपर, ये वाला ऊपर वाला। चलते पहले सीट दिखाते हैं आपको। चलो आ रहे थे, ये है साइड अपर वाली सीट, साइड लोगों ने 2 लोग बैठे हैं साइड अपर, ये रही अपनी सीट। आ रहे थे पहले चढ़ जाओ ऊपर, हाँ 8 नंबर, उधर चलो उधर से चलो। और कुछ इस तरह का इंटीरियर देख सकते हैं, 3 लोग पूरा जाम बैठा इधर। कोच कंपोजिशन की बात करूँ नंदनकानन एक्सप्रेस की, तो इसमें 6 स्लीपर कोच है और इसके जो है 4 थर्ड AC, 1 सेकंड AC, 1 फर्स्ट AC कोच है। तो अपनी जर्नी स्लीपर की है, स्लीपर बिल्कुल जैम पैक्ड है भैया। फाइनली दोस्तों 7:30 पे अपनी नंदनकानन आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर से डिपार्चर ले रही है, बिल्कुल राइट टाइम ले रही है और 1:30 बजे का अपना कानपुर का टाइम रहेगा, तो इसका डिपार्चर देख लीजिए फिर जाते हैं अंदर। अरे क्या हो गया भैया, टाइम तो दर्द नहीं है फिर बार बार हड़बड़ हड़बड़ करते हैं। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. से थोड़ा बात कर लेता हूँ ट्रेन की स्केड्यूल के बारे में, तो बता दूँ आपको कि डेली है, डेली रनिंग ट्रेन है, डेली सुबह 7:30 चलती है आनंद विहार से और अगले दिन करीब 1:30 पूरी पहुँचती है। और ये अपनी चाय, आराध्या ऊपर लेट चुकी है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। आराध्या सो जाओ, नींद आ रही तो आराध्या अपनी सीट एकदम कन्फर्म करा ली भैया। चाय ले ली उन्होंने भाई साहब 10 रुपये की चाय, हैंडमेड चाय मिली है बढ़िया है, 10 रुपये चाय वर्थ है, खराब नहीं गर्म होने से अच्छी देखेगी एकदम ताज़ी ताज़ी बना के। चाय के चुस्की के साथ हम पहुँच चुके हैं गाजियाबाद भैया। गाजियाबाद स्किप हो रहा, ज़्यादा तेज़ नहीं है पर 60-70 की स्पीड में स्किप मार रही है। सुबह से भाई साहब चाय मिल जाए आपको, ट्रेन में और क्या चाहिए, सुबह का खूबसूरत से सूर्य उदय के साथ भाई साहब ट्रेन की जर्नी चलिए भाई साहब, यही है लाइफ और क्या, ट्रेन की जर्नी करते रहिए, इंडिया का एक्सप्लोर करते रहिए और हमारे वीडियो के मजे लेते रहिए। मतलब गाजियाबाद निकलने बाद ना गाड़ी की स्पीड 130 तक भागे के आपको दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा स्पीड देख के ट्रेन का।
सुबह सुबह जो है EMU की क्रॉसिंग देख लीजिए भाई साहब, ये मेरे ख्याल से अलीगढ़ अलीगढ़ से आ रही होगी गाजियाबाद तक, फिर EMU लोकल ट्रेन है भाई साहब, ये अलीगढ़ से चलती है मेरे ख्याल से गाजियाबाद तक कोई वाली ट्रेन होगी। जब लाइन देख रहे हैं आप, ये जा रही है आपका उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार बरेली के लिए लखनऊ, और हम लोग राइट सीधे हो गए कानपुर बिहार इलाहाबाद मुगलसराय के लिए। जो इसका पूरा जैम पैक है देख लीजिए भाई साहब, सामान कैसे रखा हुआ है, लोग यहीं बैठे हुए हैं सारे। दोस्तों पहुंच चुके हैं 126 की स्पीड भाई साहब, 130 हो जाएगा तो भाई साहब सजा हो जाएगा, देखते हैं 126 मैक्सिमम जा रही है। ये देखिए 128 129 पहुँचा दी भैया, 130 पहुँचा दी, हाई स्पीड देखिए भाई साहब ट्रेन की। कहाँ जाओगे? 550 टिकट बनवा लो, बनवाओ कि मैं फोन करूँ। जो आपने क्लिप देखी उसमें क्या था कि भाई साहब जो बंदा देखा आपने वो रेलवे का पट्टा टांग के बैठा था और अंदर जो है आधार कार्ड लगाया था उसमें, तो TT ने पकड़ लिया, दे नहीं पाया तो उसका चालान काटा भाई, 500 रुपये का शायद अलीगढ़ तक काटा। तो हमने जो है ये आलू बोंडा ले लिया 30 रुपये के, 3 मिर्चा दिया और कैचअप दिया, बढ़िया से बोले खा लो एक सोरी कह रहे अभी नहीं खाएंगे, तो हमने कहा हम ही खा ले भाई साहब, बढ़िया नहीं खाए तो हमें तो रिव्यू देना जरूरी है। हाँ गरम गरम अच्छा है, रिकमेंडेड है, खा सकते हो। दोस्तों वी हैव फाइनली रीच्ड अलीगढ़ जंक्शन, ये देख सकते हैं आप अलीगढ़ पहुँच रहे भाई साहब, एंट्री हो रही है अपनी अलीगढ़ जंक्शन के अंदर। दोस्तों आप सभी का अलीगढ़ जंक्शन में करीब 120 किलोमीटर जर्नी हमने तय कर ली है और अभी पहुंच चुके हैं अलीगढ़ ALGN स्टेशन कोड, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। और मैं बता दूं यहां पे अपनी ट्रेन को 2 मिनट रुकेगी, उसके बाद आप सीधे कानपुर, कोई स्टॉपेज नहीं है अलीगढ़, अब सीधे कानपुर सेंट्रल, उसके बाद फिर आगे निकल जाएगी मुगलसराय इलाहाबाद के रास्ते आगे जाएगी। बाकी एक आपको दिखाता हूं शायद ट्रेन ही रुकेगी कि यहां से निकल जाएगी, कौन सी ट्रेन है देखते हैं पहले। अपनी शताब्दी, कानपुर शताब्दी आ चुकी है, देख लीजिए भाई साहब ये यहाँ पे इसका स्टॉपेज है, यहाँ पे अलीगढ़ रुकेगी। ये सुबह 6 बजे चली कानपुर से, करीब 9 बज रहा है इस टाइम और ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे अलीगढ़ पे। तो अपनी 2 मिनट का स्टॉपेज है, अपनी ट्रेन का भी टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट, चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। तो चले यहीं रह जाए, बेटी जो अंदर सो रही है, और होल्ड के बाद हम भी अब जो है निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन से भाई साहब। आपको अलीगढ़ में काफ़ी सारे ब्रेड पकौड़े, जो आलू बोंडा टाइप आपके बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे भाई साहब। Began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. तो हम लोग पहुंच चुके हैं टुंडला, टुंडला का हाई स्पीड स्किप देख लीजिए भाई साहब, यहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं, ये देखिए टुंडला जैसे निकल जाएगी इसको पार करते हुए, हाइट्स की स्किप कम से कम 100 की रफ्तार में हम स्किप मार रहे हैं टुंडला को। जब वह नीचे बैठे हैं देखिए एकदम बिल्कुल रिस्क लेके पूरा हवा के साथ बातें कर रहे हैं, स्पीड रफ्तार सब मजे ले रहे हैं बैठ के, और ये टुंडला निकल रहा है देखिए हमारे सामने से हाई स्पीड स्किप। भैया श्रीलंका भूटान ये कितने का है? ये पकड़ना, वो देना फ्रूटी देना, हाँ हाँ ये ठीक है ये ले दो, ये कितने का है देखा गुड़िया कितने का है? देख क्या लिया है आपने? छुट्टी पी रही है ट्रेन में बैठ के, ये देखा रहता है अपनी बैठी है साइड अपर लोअर पर भाई साहब, हमको भी नहीं बैठने दे रही अपनी सीट। तो अभी करीब इटावा निकला है, अभी 11:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे तक हम पहुँचेंगे कानपुर सेंटर। तो अगर मैं इसकी फेयर की बात कर लूँ तो हमने कानपुर तक तत्काल बुक किया था, एक ही टिकट किया था, करीब हमको 450 रुपये पड़ा था। हम लोगों ने जो है ये वेज बिरयानी ले ली है, अरे पोल का खाने का बहुत मन था, हमने कहा फूड का रिव्यू भी कर दिया जाएगा भाई साहब बिरयानी का। अरे पोल खा के बताओ कैसा है, वेज बिरयानी खाओ थोड़ा बताओ, रिव्यू दो हमारे सब्सक्राइबर्स को। अच्छा है, चलिए ठीक है, अगर भाई साहब आ रहे थे पॉल ने बोल दिया अच्छा तो इसका मतलब अच्छा ही होगा, हम भी खा के देखते कैसा है।
ठीक है, मतलब चावल थोड़े कच्चे हैं, सब्जी ठीक है, मतलब 10 में से हम इसको 5 ही देंगे, उतना अच्छा नहीं है। कच्चा भी है और देखो अच्छा भी नहीं है। पैसे तो पूरे ले रहे हो ना आप लोग? देखिए अच्छा अच्छा, इसीलिए चिराने लगे। अरे घर से कोई बात नहीं, छोड़ो यार, गुस्सा नहीं उतारा जाता। अरे पंडित जी छोड़ो, नहीं भैया मैंने गलत नहीं बोला, कोई बात नहीं, बोला कि चाय पी के आप पीछे, अच्छा बात बोला, मैंने बोला कि चाय पी के आप देखिए कैसा चाय। तो स्किप कर रहे हैं भाई साहब भावपुर, भाईपुर भाई साहब पूरा काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक काम चल रहा है, पूरा दबा के पूरी लाइन में काम चल रहा है, आगे पीछे हर जगह जहाँ देख रहे हैं वहीं काम ही काम चल रहा है। जब निकल के भाई साहब स्किप मार रहे हैं भावपुर। ये हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, 450 किलोमीटर जर्नी हमने तय कर ली है बस, ऑलमोस्ट अब जो है प्लेटफॉर्म में एंट्री हो ही रही है, विद इन 2-3 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म में भी, तो मेरे ख्याल 3 या 4 नंबर में लगाया जा रहा है, देखते हैं चलते हैं, हम पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पर, उसका तो जो है वीडियो क्लोजिंग की जाएगी। फाइनली दोस्त देखिए हमारा जो है नंदन गार्डन पहुँच हुई कानपुर सेंट्रल, और आई थिंक कानपुर सेंट्रल के 5 नंबर में लगाया जा रहा है, एकदम आगे तक जाएगा क्योंकि भाई साहब उसको आगे की बोगी को आगे ही रोका जाएगा एकदम जाकर। अब तो भीड़ दिखाओ तो भाई साहब यहाँ से कम मान चलो ट्रेन में 40% जनता चढ़ेगी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher। पहुँच चुके कानपुर सेंट्रल, 450 जर्नी हमारी खत्म हो चुकी है, बाकी इसके साथ जर्नी हमको बढ़िया लगी, हमने इसको बढ़िया लेके आगे कानपुर, इसको मजा नहीं आया, मजा आया इसको वैसे, आप बताएं आपको कैसे लगे, बढ़िया लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सफरजीत पॉल देखते रहिए। The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.